हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। संदेह और शंकाओं के विकारों को श्री कृष्ण के आदेशानुसार दूर करने का प्रयास अवश्य करूंगा। धर्मराज, तुम इतना बड़ा राजभार संभालने जा रहे हो, तुम्हें अपनी प्रजा के लाखों दिलों और दिमागों पर राज करना है, इसलिए तुम्हारे मन और मस्तिष्क को उनसे बढ़कर होना चाहिए। पुत्र, तुम्हारे मन में जो भी संदेह या शंका भांस बनकर चुभ रही है, तुम मुझसे कहो, मैं तुम्हारे मन को उसकी पीड़ा से छुटकारा दिलाने का प्रयास करूंगा। युद्ध की हिंसा के परिणाम ने मेरे मन को ऐसे जकड़ रखा है जैसे वो किसी अजगर के चपेट में आ गया है। सबके समझाने पर भी मेरे मन से हिंसा और अपराध का एहसास मिट नहीं रहा है। पितामह, मिट नहीं रहा है। हे गंगा नंदन, हे कुरुश्रेष्ठ, मैं आपकी पीड़ा दूर किए देता हूं, जब तक आप अपने धर्मराज और अन्य पांडवों को ज्ञान का अमृत पिलाते रहेंगे, तब तक आपको कोई पीड़ा नहीं सताएगी, तब तक आपकी शक्ति क्षीण नहीं होगी, तब तक आपको मूर्छा नहीं आएगी। हे भक्तवत्सल, हे विश्वनाथ, तुम्हारी लीला अगाध है। तुम्हारी कृपा दृष्टि से ही सृष्टि फलती फूलती है। मेरी सारी पीड़ा नष्ट हो गई है। अब मैं अपना ज्ञान पांडवों को निरंतर दे सकता हूं। हे पितामह, जब तक ये समस्त लोक और सृष्टि रहेगी, तब तक आपका ये ज्ञान जो आप बड़े भैया को प्रदान करने जा रहे हैं, श्रद्धा से वेद वचन माना जाएगा। अब आप ही पांडवों के गुरु बन जाइए और बड़े भैया का अज्ञान नष्ट कीजिए। बैठो युधिष्ठिर। जी पितामह। पुत्र, मैं तुम्हारे मन को गुण की तरह लगे हुए संदेह और शंकाओं के विकारों को श्री कृष्ण के आदेशानुसार दूर करने का प्रयास अवश्य करूंगा। धर्मराज, तुम इतना बड़ा राजभार संभालने जा रहे हो, तुम्हें अपनी प्रजा के लाखों दिलों और दिमागों पर राज करना है, इसलिए तुम्हारे मन और मस्तिष्क को उनसे बढ़कर होना चाहिए। पुत्र, तुम्हारे मन में जो भी संदेह या शंका भांस बनकर चुभ रही है, तुम मुझसे कहो, मैं तुम्हारे मन को उसकी पीड़ा से छुटकारा दिलाने का प्रयास करूंगा। पितामह,
युद्ध की हिंसा के परिणाम ने मेरे मन को ऐसे जकड़ रखा है जैसे जैसे वो किसी अजगर के चपेट में आ गया है। सबके समझाने पर भी मेरे मन से हिंसा और अपराध का एहसास मिट नहीं रहा है। पितामह, मिट नहीं रहा है। पुत्र, अपने अधिकार के लिए, किसी उचित उद्देश्य के लिए या उचित प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए आवश्यक होने पर अधर्मियों की हत्या करना हिंसा नहीं है। पितामह, इस बात का कोई अच्छा सा उदाहरण देकर समझाइए। पुत्र, इस संबंध में सबसे अच्छा उदाहरण भगवान श्री कृष्ण का है, जो स्वयं तुम्हारे सामने खड़े हैं। तुम्हें याद होगा, जब राजसू यज्ञ के समय श्री कृष्ण को राजाओं का राजा चुना गया था, तो उन्हीं के रिश्ते के भाई शिशुपाल ने इसका विरोध किया था। इतना ही नहीं, वो अनुचित और असभ्य रूप से गालियां देने लगा। प्रभु श्री कृष्ण ने उसके हर पाप को क्षमा कर दिया, परंतु जब शिशुपाल के 100 पाप पूरे हो गए, उसके पापों का घड़ा भर गया, तो उन्होंने ये नहीं देखा कि शिशुपाल उनका भाई है। उन्होंने उसे दंड देने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से काम लिया और उसका वध कर दिया। तुमने मुझे विवश कर दिया शिशुपाल। पुत्र युधिष्ठिर, जब किसी पापी को 100 बार क्षमा करने पर भी उसमें परिवर्तन ना आए, वो धर्म के रास्ते पर ना आए, तो ऐसे अपराधी और पापी को दंड देने के सिवा कोई रास्ता नहीं रह जाता। इसलिए पुत्र, तुम दंड को हिंसा समझना छोड़ दो, विशेषकर इसलिए कि अब तुम राजा हो, और राजा तो दंड नायक की निशानी के तौर पर दंड को धारण करता है, इसीलिए राजा को दंड धारक भी कहते हैं। पुत्र, दंड देना राजा का धर्म है। यदि राजा भावुक होकर अपना यह धर्म नहीं निभाएगा, तो राजा के दंड का भय ही नहीं रहेगा और फिर राज्य में व्यवस्था ही नहीं रहेगी। सरकारी नौकर अपने आप को राजा समझने लगेंगे, राज्य में निराज अर्थात अराजकता फैल जाएगी। जरा सोचो, प्रजा की क्या दशा होगी जब राज्य के छोटे कर्मचारी अपने सरकारी कामों को करने के लिए भी घूस की मांग करने लगेंगे, चोर उचक्के और डाकू सरकारी कर्मचारियों की छत्र छाया में लूट मार मचाएंगे और कोई पूछने वाला नहीं होगा। चोर, 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 चोरी करता, चल। चोरी करता। सरकारी प्रहरी चोर को पकड़ेंगे और माल आधा आधा बांटकर खा जाएंगे। बूढ़े प्राणियों को जिनका कोई नहीं होगा, निस्सहाय समझकर
गुंडे उन्हीं के घरों से निकाल बाहर फेंक देंगे। हर प्रकार का पाप निर्भय होकर किया जाएगा। नारी की लाज तक सुरक्षित नहीं होगी, उन्हें सभाओं में निर्वस्त्र किया जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा अधर्म नहीं होने दूंगा पितामह, नहीं होने दूंगा। परंतु यदि तुम धर्म युद्ध के परिणाम को अधर्म समझकर यूं ही शोकग्रस्त हो गए तो यही सब कुछ होगा। इसी अधर्म का राज होगा, तुम्हारे सामने ही ये पाप होंगे। क्योंकि राजा का भय ही किसी को नहीं होगा। नहीं नहीं पितामह, नहीं। अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, ऐसा नहीं होने दूंगा। आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब मैं धर्म का राज स्थापित करूंगा। हां पितामह, अब मैं धर्म का राज स्थापित करूंगा। पुत्र, मुझे खुशी है कि तुम शीघ्र ही इस बात को समझ गए हो। मुझे विश्वास है कि तुम एक बहुत ही अच्छे राजा सिद्ध होगे, क्योंकि अच्छा राजा वही बन सकता है जो धर्म के लिए सब कुछ तज देने को तैयार रहता है, यहां तक कि अपने प्राणों की भी चिंता नहीं करता। उसका जीना मरना सब दूसरों के लिए होता है, और ये प्रधान गुण मैंने तुम में देखा है। पितामह, आप मुझे बताइए कि एक अच्छा राजा किन किन गुणों से बनता है और उसकी पहचान क्या है? पुत्र, अच्छे राजा के गुण प्रजा के मुंह से ही सुने जाते हैं। सुखी प्रजा अच्छे राजा का दर्पण होती है। प्रजा का सुख ही अच्छे राजा की पहचान की कसौटी होता है। धर्म सुख का मूल होता है। जहां धर्म नहीं होगा वहां सुख भी नहीं होगा। पुत्र, एक आदर्श राजा को द्वारिकाधीश कृष्ण की भांति सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों कसौटियों पर खरा साबित होना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण के आध्यात्म के प्रकाश के सहारे यदि तुम राजनीति के पथ पर आगे बढ़ोगे तो तुम्हें और तुम्हारी प्रजा को सुख शांति समृद्धि और सफलता सब कुछ मिल जाएगा। पुत्र, श्री कृष्ण एक आदर्श मनुष्य और एक आदर्श राजा हैं। क्या तुम्हें याद नहीं कि राजा होते हुए भी अपने एक दरिद्र मित्र सुदामा से भेंट करने के लिए उसके आगमन का समाचार पाकर वो महल से नंगे पैरों भागे थे
तीनों के बंधु करुणा के सिंधु लेकर नैनों में जल बिंदु सारे नातों से पढ़ के एक नेह का नाता निभाने चले हैं भ्रमण करें जो फूलों के रथ पे चलकर वो पथरीले पथ पे नंगे पांव जो आया उसको नंगे पांव बुलाने चले हैं दर्शन की अभिलाषा ठोके जगत हसाई से व्याकुल होके आस के टुकड़े सुदामा संजोके अश्रु में जीवन डुबाने चले हैं प्रेम परीक्षा की घड़ी आई मित्र के नाम की होना हसाई मित्र परायण कृष्ण कन्हाई झूठा मित्र मनाने चले हैं रूठा मित्र मनाने चले हैं सुदामा सुदामा किधर गया मेरा मित्र कहाँ गया सुदामा कहाँ गया मेरा मित्र अरे सुदामा नजर नहीं आता वो तो लौट गए द्वारकाधीश कहाँ इस तरफ गए किधर इस तरफ सुदामा 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 द्वारकाधीश किधर गए उस तरफ लो वो फिर आ गया सुदामा 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 हाँ